बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शब्दों को सजाने का हृदय से काम करता हूँ। गजल और गीत कविताएं आपके नाम करता हूँ और अदब की यह सभा है। सिर झुकाता हूँ विनय से मैं, ये वीरों की धरा है, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। ये पीएसी की धरा है, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। बच्चों के लिए चार पंक्तियां कहता हूँ कि शिलाएं तोड़कर जो समझ जाए यही समझ जाए, नहीं तो आप सबकी जिम्मेदारी है, समझा दीजिएगा उनको कि शिलाएं तोड़कर रास्ता निकालो, भलाई का कोई जरिया निकालो। और पढ़ाई है तिजोरी इस तरह की, पढ़ाई है तिजोरी इस तरह की कि जरूरत जब पड़े रुपया निकालो। और कहाँ है बेटियां बेटों से कमतर, कहाँ है बेटियां बेटों से कमतर, चलो अब मन से आशंका निकालो, चलो अब मन से आशंका निकालो। मैं एक कविता मैं सोच रहा हूँ कि प्रांगण बहुत अच्छा है, जो आपका उसके दो बंद और बाबूजी के भी दो बंद मैं पढ़ दूंगा चार पांच मिनट में। देखिए मैं भारत अमृत काल चल रहा है तो भारत के लिए कुछ कामनाएं मैंने की, उसको प्रस्तुत करता हूं आपके बीच कि हमारे देश भारत का सतत हर पल अमृतमय हो, हमारी मातृभू की सर्वदा सर्वत्र जय जय हो, हमारी मातृभू की सर्वदा सर्वत्र जय जय। इतिहास देखिए, इतिहास वहां से शुरू होता है जब दुष्यंत और शकुंतला पुत्र नन्हे बालक 5 साल के सिंह के बच्चे से खेल रहे थे, वहां से इतिहास शुरू होता है। यहाँ बच्चे खिलौना मांगते हैं सिंह सावक को, कभी मुख में भरा करते दहकते सौर पावर को, अमर होते कभी खाकर वनों में घास की रोटी, और न्यौछावर देश पर होना यहाँ की बात है छोटी, न्यौछावर देश पर होना यहाँ की बात है छोटी। और रहित हो शस्त्र से केवल ध्वजाएं थम की लेकर, सम्राट अशोक को याद करिए कि रहित हो शस्त्र से केवल ध्वजाएं धम्म की लेकर जगत को जीत लेते हैं हमेशा प्रेम के बल पर। और जहां तक हो सका हमने हमेशा युद्ध को टाला, अगर माना नहीं दुश्मन उतारा वक्ष में भाला। और कहीं कोई हमारा शत्रु हो उसकी पराजय हो, हमारी मातृभूमि की सर्वदा सर्वत्र जय जय। और नए वर्तमान देखिए कैसा है कि नए डिजिटल जमाने का जर्मनी में, नासा में, हर जगह कंप्यूटर में भारतीय लोग, नए डिजिटल जमाने का बना यह देश ध्रुव तारा, हमारे ज्ञान का सम्मान करता है जगत सारा। नई तकनीक के बल हम शिखर पर पांव धरते हैं, धरा सागर गगन में कामयाबी प्राप्त करते हैं। बना निर्माण का यह गढ़ बुलंदी पर सितारा है, नया भारत नई बातें नया परिचय हमारा है। और तिरंगा छू रहा है नव अतुल इसकी कहानी है, हमारी शौर्य गाथा की यही असली निशानी है। और जगत गुरु हम, हमारा 100 युगों तक एक परिचय हो, जगत गुरु हम, हमारा 100 युगों तक एक परिचय हो, हमारी मातृभूमि की सर्वदा सर्वत्र जय जय। बहुत बहुत। और दो बंद मैं बाबूजी कविता से सुनाता हूँ, ये आपका सम्मान करते हुए स्वागत। कि यदा कदा मेरे कमरे में आ जाते थे बाबूजी, एक बच्चा चला गया गांव छोड़ के, बनारस छोड़ के दिल्ली, उसको पिताजी याद आ रहे हैं तो क्या सोच रहा है कि यदा कदा मेरे कमरे में आ जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। बड़े शक्त थे कहाँ कभी वे दिखलाते थे कोमलता, यदि क्रोध करते तो उनके नैनों में सूरज जलता पलता था, पर प्रेम भी उनके मन के ओझल कोने में जो आता था काम, एकांत में उनकी पलक भिगोने में। और कभी प्रेम उड़ा तो छुपा जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। और आखिरी बंदिशी कविता का कभी मौका मिलेगा तो पूरी कविता सुनाऊंगा कि आजीवन उनका ही एक प्रतिरूप बना जीऊंगा मैं, वही सूर्य होंगे मेरे और धूप
बना जीऊंगा मैं, वहीं सुरी होंगे मेरे और धूप बना जीऊंगा मैं। निखरा हूँ जो संघर्षों की ज्वाला में मैं, अब तपकर बाबूजी का व्यक्तित्व ही उभरा है मेरे अंदर और समय समय पर सही राह दिखला जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। और अब तो यदा कदा सपनों में आ जाते हैं बाबूजी और बड़े प्यार से मेरा सिर सहला जाते हैं बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।